और फिर एक ऐसा भी पीरियड आया कि मैंने बिल्कुल कॉफी पीना छोड़ दी लाइक like उसमें कोई रीज़न नहीं था बस खुदबा खुद दिल नहीं चाहा और आजकल फिर मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ कॉफ़ी के फ़ायदे क्या क्या हैं कॉफ़ी के नुकसान क्या क्या हैं डेफ़िनेटली हर वो चीज़ जो आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं पीते हैं खाते हैं उनके जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं सो so, एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज़ बैड किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बट कॉफ़ी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से मैंने उसे दोबारा इस्तेमाल करना शुरू किया है सबसे बड़ी बात आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है ये नंबर टू आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है यह नंबर थ्री आपकी स्किन पर एक ग्लो देती है रेडियंट स्किन लुक देती है नंबर अगर आप कॉन्टिन्यूसली कौ, कॉफी यूज करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाए और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड ओला ओलाडॉक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी ऐसी हैवीनेस का सामना नहीं करना पड़ता आपका स्टमक ठीक रहता है क्योंकि काफ़ी लोग अब मेरे इस बात की वजह से बहुत सारे लोग मेरे काफ़ी पेशेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब हम हम अगर कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे मैदे में जलन शुरू हो जाती है ये वैसे ठीक बात है बट आप एक्सेस क्यों कर रहे हैं अगर आपने एक कप कॉफ़ी लेनी है तो उसमें आप हाफ़ टी स्पून uh, कॉफ़ी का डालें एक uh, ग्लास पानी लें और उसमें हाफ़ टी स्पून आप कॉफ़ी का लें और उसे बॉयल करें और उसे पी लें कोई वो कॉफ़ी आपके स्टमक को अपसेट नहीं करेगी ये लाइक मैं आपको ये एडवाइस इसलिए दे रही हूँ बिकॉज ऐसी कॉफ़ी जिसमें ज़्यादा कॉफ़ी डाली हुई हो चीनी भी हो दूध भी हो फिर आप अगर कहें कि मुझे एसिडिटी ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कॉफ़ी पीनी है ब्लैक कॉफ़ी इज़ बेस्ट यानी मैं मिल्क कॉफ़ी को प्रमोट नहीं कर रही मैं मिल्क कॉफ़ी के लिए नहीं कह रही बट ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी है बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं आपके बालों से लेके टिप टू टो जिसे हम कहते हैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होती है कैफ़ीन कहीं बॉडी को एक अच्छा टेक्सचर देती है बॉडी का वेट लॉस करने में ब्लैक कॉफ़ी हमारी बहुत हेल्प करती है अगर आप एक ब्लैक कप लें कॉफ़ी का लाइक like आपने खाना भी नहीं खाया है और एम टी स्टमक आपने एक कप कॉफ़ी का लिया और उसके बाद आप हाफ एन आवर की वॉक करेंगे अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं अपनी मौजूदा फैट को बर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन टोटका कह लें या बेहतरीन रेमेडी कह लें कि आप अगर इस तरह करें और फिफ्टीन टू फिफ्टीन डेज से लेके और वन मंथ में आपका वेट टू टू फोर के जी रिड्यूस हो जाएगा लाइक like आपने दिन में दो से तीन कप एम्प्टी स्टमक कॉफी के लेने हैं और उसके बाद आपने वॉक करनी है और फिर उसके बाद खाना खाना है यानी कि खाने से पहले वॉक करेंगे एम्टी स्टमक करेंगे तो उसके बेनिफिट्स आप खुद देखेंगे आपकी बॉडी से जितनी भी फ़ैट है वो आहिस्ता आहिस्ता बर्न हो जाएगी बिकॉज जब आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं और उसके बाद वॉक कर रहे हैं तो वो ब्लैक कॉफ़ी आपके जिसम की मौजूदा फ़ैट को ख़त्म करेगी बट अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा अच्छा वो है स्टेप है कि आपको खाने के बाद वॉक करनी चाहिए लेकिन वो वो क्या करेगी डेफ़िनेटली जब आपने खाना खाया खाने के बाद वॉक की तो वो आपके खाने को डाइजेस्ट करेगी वो फिर उस फैट को बर्न नहीं करेगी जो आपको इरिटेट कर रही है तो जो मौजूदा फ़ैट है उसको बर्न करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी पी के वॉक करना एक बहुत अच्छा अच्छी रेमेडी है लाइक आप उस पर अमल करें और इन मंथ आपका टू टू थ्री फोर के आपका वेट रिड्यूस हो जाता है स्किन की बात करेंगे स्किन के लिए बहुत अच्छी है कॉफ़ी पीना क्योंकि इसके इसके खास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास है क्लोरोजेनिक एसिड और कैफ़ीन ये दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि स्किन पर बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं डेली का कॉफ़ी का यूज़ आपके जिसम से पिगमेंटेशंस को ख़त्म करता है आपके जिसम में एंटी का काम करता है आपकी डाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से आपका स्टमक ठीक रहता है और इस इन दोनों चीज़ों की वजह से आप ये देखें जब आपका स्टमक ठीक रहता है तो आपकी स्किन भी ठीक रहती है यानी उस पर कोई एक्नी नहीं होती उस पर कोई पिगमेंटेशन नहीं होती तो कॉफ़ी स्किन को हेल्दी रखने में भी हेल्प करती है इसके अलावा अगर आप कॉफ़ी का मास्क लगाएं ये तो लाइक मैंने पीने की बातें बता दी ना आप कॉफ़ी का मास्क अप्लाई करें और डेली अप्लाई करें कॉफ़ी का मास्क आप कैसे बनाएंगे आप कॉफ़ी पाउडर लें Uh, और उसमें आप लेमन ऐड करें योगर्ट ऐड करें उसके अलावा आप उसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं इन दोनों तीनों चीज़ों का आप मास्क बनाएं लाइक like अगर आपने कॉफ़ी पाउडर जो है वो दो uh, टेबल स्पून लिया है तो आपने हाफ़ टेबल स्पून उसमें टर्मरिक ऐड करना है यानी कि हल्दी डालनी है उसमें नंबर थ्री आप उसमें वन टेबल स्पून दही का डालेंगे आप खुद देखेंगे कि ये मास्क अगर आप डेली अपने फ़ेस पर अप्लाई करेंगे तो ना सिर्फ़ आपके फेस से जो फाइन लाइंस हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी आपकी स्किन पर जो एक थका हुआ लुक आता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा उसके अलावा आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी आप डेली इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी डेली रूटीन में रखें अदरवाइज आप इसको वीक में तीन मरतबा भी कर सकते हैं तो भी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी ग्लोई रहेगी और आपकी स्किन का जो चेंज है वो आपको खुद फील हो जाएगा उसके अलावा कितनी कॉफ़ी भी है देखिए मैं बार बार कहूँगी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड अब ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए दस दस कप कॉफ़ी का पीना शुरू कर दें अगर आप टू टू फाइव कप्स कॉफ़ी के लेते हैं दिन में तो ये एक मॉडरेट आपकी रेंज है और इससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए ठीक है टू टू फाइव आर एनफ लाइक थ्री कप्स आर ओके अगर आप थ्री थ्री मील्स के टाइम में बिफ़ोर मील आप लेते हैं या आफ़्टर मील भी इवन दो लेते हैं तो भी इट इज़ ओके बट वेट रिड्यूसिंग के लिए मैंने आपको बताया कि बिफोर मील इज़ गुड सो ये सफिशेंट uh, होता है आप ये लीजिए और uh, इन आप देखेंगे कि आपको अपनी स्किन में अपनी बॉडी में अपनी हेल्थ में एक अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी थैंक यू वेरी मच